हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एम एन एस प्रिपरेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड हेयर वी हैव जनवरी करंट अफेयर्स सो दिस इज़ पार्ट वन ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स सेकेंड पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सून आफ्टर दिस वीडियो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आर फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज़ बीन कॉन्फर्ड विद तानसेन सम्मान फॉर ट्वेंटी तानसेन सम्मान जो है ट्वेंटी का वो किसे मिला था एंड दी ऑप्शन आर पंडित सतीश व्यास पंडित विद्याधर व्यास पंडित उल्हास खशहालकर पंडित दालचंद शर्मा माँ क्यों आंसर गाइज एंड द करेक्ट ऑप्शन है इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ पंडित सतीश व्यास उन्हें मिला था तानसेन सम्मान फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द करेंट डेडलाइन सेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइलिंग फॉर एफ आई मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन टू ट्वेंटी जो भी टैक्स पेयर्स जो टैक्स पेज करते होंगे उन्हें पता है ऑब्वियसली पता होगा कि डेडलाइन जो उन्हें दी गई थी कि आपको इतने टाइम में इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है तो उनका जो करेंट डेड लाइन था वो क्या था सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेंथ जनवरी टेंथ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में उन्हें बोला गया था कि आपको फाइल कर देनी है अपनी आई टी आर उससे पहले जो उन्होंने अर्लियर उन्होंने डेडलाइन दी थी थर्टी फर्स्ट दिसम्बर बट उसे बढ़ा के इन लोगों ने कर दिया था टेंथ जनवरी सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर थ्री नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर विच वॉज टेस्टेड टेस्ट ट्रेलर रिसेंटली बाय इंडियन नेवी एंड डी आर डी ओ तो इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया हुआ एयर ड्रॉप कंटेनर है वो अभी टेस्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी एंड डी आर डी ओ तो वो उसका नाम बताना है हमें दैट इज़ प्रल प्रबल के ट्राइनेट्रा सहायक मार्क योर आंसर गाइस एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज सहायक सहायक है वो ओके एयर ड्रॉप कंटेनर कॉल्ड सहायक क्वेश्चन नंबर फोर गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सिवन एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर अप टू जनवरी ट्वेंटी ये बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा नहीं कि कितने पीरियड के लिए बढ़ाया गया है के सिवन जो चेयरमैन है तो वो पूछा गया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के वेरी इजी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थे इस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में तो हमें इजीली पता है कि वो इसरो के चेयरमैन रहे हैं और उनका एक साल का और टेन ईयर बढ़ा के ट्वेंटी कर दिया गया है वरना वो अभी जनवरी ट्वेंटी में वो रिटायर हो गए होते बट उनका बढ़ा के जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रोपोजल टू सेट से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब दैट इज एम एम एच एल एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब दैट इज एम एम टी एच इन विद सिटी यूनियन कैबिनेट ने प्रपोज किए दोनों सेटअप्स एम एम एल एच एम एम टी एच तो ये कौन से सिटीज में किए हैं ऑप्शन आर ग्रेटर नोएडा हैदराबाद पूरे एंड गुरुग्राम एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा में ये दोनों वो जो दोनों अप्रूवल हैं वो पास किए गए हैं बाय दूनियन कैबिनेट क्वेश्चन नंबर सिक्स इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन डेवलप्ड इन विद स्टेट आसाम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वेस्ट बंगाल फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क है इंडिया का एंड करेक्ट ऑप्शन हेयर ऑप्शन नंबर सी दैट इज उत्तराखंड उत्तराखंड में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर मैंडेटरी यूसेज ऑफ फास्टैग वॉट इज द न्यू डेडलाइन इसकी भी डेडलाइन बढ़ाई थी फास्टैग की भी पहले सो so, अभी जो लेटेस्ट डेडलाइन जो उन्होंने रिलीज़ की थी वो क्या है पूछा है एंड द करेक्ट ऑप्शन है इज फर्स्ट फेबररी 2021 ये लेटेस्ट है एंड पुरानी जो डेडलाइन है वो उन्होंने दी थी वो थी फर्स्ट जनवरी 2021 बट उसे एक मंथ आगे बढ़ा के फर्स्ट फेबररी कर दी गई है फास्टैग की लाइन क्वेश्चन नंबर एट द टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम दैट इज़ तिहान तिहान आई टी आई ये आपने सुना होगा सॉरी आई आई टी तिहान आई आई टी ये आप लोगों ने सुना होगा सो इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम एंड ये सेटअप है कौन सी सिटी में आपसे पूछा गया तिहान आई आई टी कौन सी सिटी में है मेनली क्वेश्चन इज दिस एंड द करेक्ट ऑपन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद हैदराबाद में है तिहान तिहान का फुल फॉर्म याद रखेंगे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स तिहान आई आई टी इम्पॉर्टेंट वर्म Question number nine. Which governing body has recently collaborated with the UNDP India to launch India's first social impact bond, SIB? एस आई बी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कौन सी गवर्निंग बॉडी जिन्होंने रिसेंटली कोलेबोरेट किया है यू एन डी पी के साथ ताकि वो इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च कर सके तो उस गवर्निंग बॉडी का नाम बताए जिन्होंने बताना है जिन्होंने जस्ट कोलेब किया है यू एन डी पी के साथ एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज पिंपरी छि छिछवाद कॉरपोरेशन पुणे ये पुणे में है ओके okay, पिंपरी छिंदवाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पुणे क्वेश्चन नंबर टेन इंदिरा जोसेफ वेन्योर हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द रिनूड बाय ओके आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इंदिरा जोसेफ वेन्योर जो जस्टली पास वो मतलब उनका प्रोफेशन क्या था मेनली वो थे क्या ओके okay. And the correct option here is a broadcaster. broadcaster the. So important Indra Joseph Venier is a broadcaster. Was. Broadcaster. Question number 11. The International Financial Services Center Authority IFSCA has become an associate member of International Organization of Securities Commissions IOSCO. वेयर इज दी हेड क्वार्टर ऑफ आई आई ओ एस सी ओ तो ऊपर की जो पूरी स्टेटमेंट है वो आपको क्वेश्चन को कन्फ्यूज करने के लिए है मेनली द क्वेश्चन इज हेडक्वाटर ऑफ आई ओ एस सी ओ मेनली आपसे यही पूछा गया कहाँ पे है ऑप्शन आर लंडन मैड्रिड न्यूयॉर्क रोम एंड द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैड्रिड मैड्रिड कहाँ पे है मैड्रिड इज इन स्पेन स्पेन में है मैड्रिड ओके सो दिस विल बी योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दैट इज विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड यू एस डी टेन मिलियन लोन एग्रीमेंट विद इंडिया टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश में बढ़ाने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट ने लोन लिया है एंड एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ फर्स्टली क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर क्या कल्चर क्या होता है द स्टडी जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं अबाउट की के जो फ्रूट्स है फ्लावर्स है उसे कैसे ग्रो करें उन सब के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं दैट इज़ नॉन एज हॉर्टिकल्चर ओके तो हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने है हिमाचल प्रदेश में सो कौट इंस्टीट्यूट ने किया था ऑप्शन आर यू एंड डी पी वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक आई एम एफ

Question number thirteen: Who has been appointed as a new chairman of Steel Authority of India Limited (SAIL)? Steel Authority of India Limited. Okay. Options are Mr. Mahajbin, Soma Mondal, Meeta Baghel, Radha Pyari. and the correct option here is Soma Mondal, and she is the first ever. मेन हेड ऑफ बॉडी ये पहली वुमेन हेड है सेल की पहली वुमेन हेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन पहली भी है एंड करंट अफेयर्स में भी है सोमा मॉन्डल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पीएम मोदी रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स इन हाउ मेनी स्टेट पीएम मोदी जी हैं जो जिन्होंने रिसेंटली फाउंडेशन दी थी लाइट uh, स्टोन प्रोजेक्ट्स की बहुत uh, कुछ स्टेट्स में तो पूछा है कि कितने स्टेट्स में उन्होंने ये फाउंडेशन रखी है ऑप्शनस आए टेन स्टेट्स फाइव स्टेट्स सिक्स स्टेट्स एट स्टेट्स एंड आपको नीचे स्टेट्स के नाम देख कर पता ही चल गया होगा आंसर इज सिक्स स्टेट्स कौन कौन सी स्टेट्स हैं उनके नाम है यहाँ पे ज मध्य प्रदेश गुजरात तमिलनाडु झारखंड त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश ठीक है तो टोटल सिक्स स्टेट्स हैं एंड दीज वेम्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द डीआरडीओ ऑ ऑब्जर्व इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो डीआरडीओ का फाउंडेशन डे आपको पता चल गया दैट इज फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब पूछा है कौन सा फाउंडेशन डे था सो ऑप्शन आ सिक्सटी सिक्सटी थर्ड फिफ्टी सेवंथ फिफ्टीथ माँ क्यों आंसर एंड द करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर बी दैट इज सिक्सटी थर्ड तो सिक्सटी थर्ड फाउंडेशन डे था हमारे डी आर डी ओ का ओके फाउंडेशन डे सब याद रख रहे हैं तो बता दीजिएगा कि जो हमारा इस इस साल का अभी जो छब्बीस जनवरी हम लोगों ने मनाया है ना रिपब्लिक डे तो रिपब्लिक डे का कौन, आ, कौन सा रिपब्लिक डे था हमारा ओके सेवेंटी सेकेंड था ओके okay? एंड अभी जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे तो वो कौन सा होगा तो वो भी बता दीजिएगा वो हो जाएगा सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे इम्पोर्टेंट और डीआरडीओ का हमने देख लिया सिक्सटी थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सी ई ऑफ रेलवे बोर्ड न्यू चेयरमैन सी ई ओ रेलवे बोर्ड का कौन बना है संजय पाल अमित धवन सुनित शर्मा हरीश कुमार साहू एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज नन ऑफ दीज दैट इज सुनि शर्मा सुनिल शर्मा को बनाया गया क्वेश्चन नंबर द चेयरमैन ऑफ डी आर डी ओ एज डीआरडी ओ का हमने देखा कि उनका सॉरी इज इज नॉट इट फाउंडेशन तो चेयरमैन भी बना है कौन है चेयरमैन एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज जी सतीश रेड्डी के सीवन तो हो गए इसरो के है ना इसरो के हो गए के सीवन डी आर डी ओ के हो गए जी सतीश ओके क्वेश्चन नंबर एटीन वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी आई एफ एस सी ए लोकेटेड आई एफ एस सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है एंड ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है इससे पहले मैंने आपके जो क्वेश्चंस कराए एटीन से पहले उसमें भी ये आ चुका है तो इसका हेड क्वार्टर पूछा है कि कहाँ है ओके okay. And the correct option here is option number B that is Gandhi Nagar. Question number 19. Name the institute that has signed a loan agreement worth USD 231 million with Indian government to augment electricity generation capacity in the state of Assam. स्टेट ऑफ आसाम जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज करने के वजह से किसी इंस्टीट्यूट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ डील साइन की है लोन दिया है ऑफ यू एस टू थर्टी वन मिलियन तो बताना है उस इंस्टीट्यूट का नाम जैसे कि स्टेट ऑफ हमने इससे पहले देखा था आई शो यू द क्वेश्चन ये रहा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के लिए जैसे किया गया था तो वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक था तो हिमाचल प्रदेश के लिए वैसे ही यहाँ पे आसाम के लिए भी कुछ चलाया है तो वो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है एंड वंस अगेन द करेक्ट ऑप्शन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज़ ए डी बी उसका आप याद रखेंगे उन्होंने दो जगह लोन के लिए एग्रीमेंट साइन की है इंडियन गवर्नमेंट से एक तो आपके हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के लिए और एक आसाम में फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आर बी आई हैज़ लॉन्च डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स दैट इज डी पी आई टू कैप्चर द एक्सटेंड ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया द इंडेक्स कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ हाउ मेनी पैरामीटर्स इंडेक्स में मेनली कितने पैरामीटर्स है ये पूछा है थ्री फाइव फोर एट एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन उमेश सिन्हा हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आपको यहाँ इस सेंटेंस एक टर्म बात पता चल रही है कि इन्हें रिसेंटली क्या बनाया गया है डिप्यूटी इलेक्शन कमीशन उमेश सिन्हा है ठीक है एंड हाउ मेनी डिप्यूटी इलेक्शन कमीशन आर नाउ देयर इन ई सी आई बोर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ई सी आई का फुल फॉर्म होगा उस बोर्ड में कितने इलेक्शन कमीशन हैं डिप्यूटी इलेक्शन कमीशन

एज दी को चेयर ऑफ आई ओ सी एम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बूटा सिंह हु हैज बीन रिसेंटली पासड अवे वॉज अ वेटरन लेजर ऑफ विच पार्टी बीजेपी आई एन सी ए ए पी ए आई एम आई एम कौन सी पार्टी के थे वो एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी दैट इज आई एन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर रिमोट म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोहपात्रा हैज पास अवे रिसेंटली ही वाज रिलेटेड टू विच फिल्म इंडस्ट्री कौन से फिल्म इंडस्ट्री से थे तेलुगु उड़िया तमिल भोजपुरी कौन से फिल्म इंडस्ट्री थे शांतनु मोहपात्रा ऐसे तो बंगाली लग रहे हैं मोहपात्रा से बट नॉट बंगाली का ऑप्शन ही नहीं है एंड द करेक्ट ऑप्शन है और इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज उड़िया इनके सरनेम से थोड़ा पता चल जाएगा आपको उड़िया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पी एम मोदी रिसेंटली इनाग्रेटेड द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव ट्वेंटी ट्वेंटी वन द कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज बाई सी एस आई आर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑन दी ओकेजन ऑफ इट्स डैश फाउंडेशन डे मेनली आपसे यहाँ पे सी एस आई आर एन पी एल दैट इज़ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का फाउंडेशन ईयर पूछा गया है And the correct option here is option number A, 75th. 75th Foundation Year CSIR NPL is celebrating this year. 26th, very important question, very important question. World Braille Day. World Braille Day is celebrated on which day? Is the question. Options are January 10, January 15, January 7, January 5. अब जिन बच्चों को इनका आंसर पता होगा वो लोग कहेंगे इनमें तो ऑप्शन ही नहीं है कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है गाइस इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जनवरी फोर्थ जनवरी फोर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसमें यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा इन सब में से ओके आंसर इज जनवरी फोर्थ मार्क दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ब्रेल डे जनवरी फोर्थ क्वेश्चन नंबर मलाल यूजुफ स्कॉलरशिप एक्ट बाय कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा फीमेल कौन सी कंट्री ने ये स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है फॉर वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा फीमेल ऑप्शन आई यूके चाइना यूएस पाकिस्तान बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पाकिस्तानी देखेंगे हम टिक लगा देंगे पाकिस्तान को बट नो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यू एस ए सॉरी यू एस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बजाज ऑटो इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अब रूपीज वन लैख करोर एंड दस बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर्स कंपनी ग्लोबली वेयर इज़ दी हेड क्वार्टर ऑफ बजाज ऑटो लोकेटेड इतनी सारी बातें आपको घुमाने फिराने के लिए लिखी गई हैं सिंपल सा क्वेश्चन है कि बजाज ऑटो जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है हेड क्वार्टर ऑफ बजाज ऑटो ओके उन्होंने बताया कि टू व्हीलर कंपनी जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल बन गई है बजाज ऑटो फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी जिन्होंने वन लाख करोड़ का मार्केट क्रॉस किया है ओके okay? एंड इसका जो uh, क्या बोलते हैं क्वार्टर है दैट इज इन बी पुणे पुणे में है इसका क्वार्टर बजाज ऑटो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कांग्रेस लीडर विलास पाटिल उदालकर उदालकर हैज पास्ड अवे एज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विद स्टेट कैबिनेट कौन से स्टेट कैबिनेट के मिनिस्टर थे गोवा केरला महाराष्ट्र त्रिपुरा

अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम बताना है ऑप्शन पंकज मित्तल आशीष पेठे राम विनय शाही संजय कपूर एंड ऑप्शन नंबर ए दैट इज पंकज मित्तल पंकज मित्तल को बनाया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख क्वेश्चन नंबर थर्टी वन दीथ इंडियन साइंटिफिक एक्सपेंडिचर ऑफ़ एंटार्टिका वॉज फ्लैग ऑफ फ्रॉम मोरमुगा पोर्ट रिसेंटली वेयर इज द पोर्ट इज लोकेट आपको एक ऊपर जो सेंटेंस है उसमें इंफॉर्मेशन दी गई कि फोर्टीथ इंडियन साइंस एक्सपेंडिचर ऑफ एंटार्क्टिका था उसे फ्लैग ऑफ किया गया है मोरमुगा से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि फोर्टीथ इंडियन साइंटिफिक एक्सपेंडिचर ऑफ एंटार्टिका को फ्लैग ऑफ किया है कौन से पोर्ट से तो आपको आंसर बता दिया गया है कि मोर पोर्ट से इसे किया गया था फ्लैग ऑफ पूछा है कि ये पोर्ट कहाँ पे है कौन से स्टेट में है उड़ीसा केरला गुजरात गोवा क्वेश्चन को बहुत इजी बना दिया गया है यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि कौन से पोर्ट से तो ऊपर जितने भी सेंटेंसेस लिखी हुई हैं क्वेश्चन के दे आर नॉट लाइक ऐसी लिखी हुई है नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है आप उसे भी पढ़ेंगे ओके एंड मोर मुगा पोर्ट इज़ इन गोवा वेरी ईजी क्वेश्चन बना दिया गया था ड्यू टू पोर्ट का नाम ही बता दिया तो ईजी हो गया था क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द कोची मंगलुरू नेचुरल गैस पाइपलाइन हैज़ बीन इनागरेटेड बाई पी एम रिसेंटली आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी नेचुरल गैस की पाइपलाइन इनाग्रेट की गई ऑप्शन दे देंगे तो कोची uh, कोची मंगलुरू की जो है वहाँ की नेचुरल गैस पाइपलाइन आपके लिए इनाग्रेट की गई है बाई पी एम मोदी एंड पूछा गया कि इसका एस्टिमेट लेंथ क्या है इस प्रोजेक्ट का ऑप्शनस फोर हंड्रेड किलोमीटर फोर फिफ्टी किलोमीटर थ्री हंड्रेड किलोमीटर एंड थ्री फिफ्टी किलोमीटर एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज फोर फिफ्टी किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हू हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ए आई सी एफ ऑप्शनस संजय कपूर करण भाजवाना जी किशन रेड्डी राम विलास पासवान एंड द करेक्ट ऑप्शन इज संजय कपूर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन फ्लैग ऑफ बाय पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली द ट्रेन विल रन बिटवीन विद स्टेट तो आपको पहले बता दिया गया है कि डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर वाली ट्रेन फ्लैग ऑफ की है नरेंद्र मोदी ने एंड ये कौन से दो स्टेट्स के बीच में चलती है दैट इज पंजाब टू हरियाणा हरियाणा टू राजस्थान सॉरी पंजाब टू राजस्थान हरियाणा टू राजस्थान बिहार टू तमिलनाडु एंड नवदीस एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज हरियाणा टू राजस्थान इसे चलाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द प्रोफेशन ऑफ सत्यपाल हु हैज़ डाइड रिसेंटली क्लासिकल डांसर अकेडमियन फैशन डिजाइनर पेंटर तो वो मेनली सत्यपाल जो थे वो थे क्या आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज फैशन डिजाइनर सत्यपाल जो थे वो एक फैशन डिजाइनिंग का काम किया करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ़ द थ्री इम्पोर्टेंट कमिटीज ऑफ द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज़ यू एन एस सी विच ओर दिस कमिटी इज नॉट अमंग दैम इंडिया को अपॉइंट किया गया एज हेड बनाया गया है तीन इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ का ठीक है तो इन चारों ऑप्शन में से तीन इम्पोर्टेंट कमिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं एंड एक उसमें से कमिटी का नाम नहीं है तो आपको बताना है कि इन सब में से कौन सी कमेटी नहीं है एंड द करेक्ट ऑप्शन है और इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेवेंटीन एटीन सैंक्शंस कमिटी ठीक है तो बी ऑप्शन नहीं है बाकी जो तीनों कमिटीज है दैट इज तालिबान कमेटी काउंटर टेरर टेररिज्म कमेटी एंड कमिटीज का okay? okay, so हेड नहीं चला मुझे कब खत्म हो गया सो so, आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड दिस वीडियो इज रियोली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एंड सेकेंड पार्ट भी इसका बहुत जल्द आ जाएगा आई होप यू लाइक दिस प्लीज लाइक Comment, share, and subscribe if you are new to this channel. And thanks for watching. Keep supporting.